चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सरौन स्थित कुशमहा जंगल में वन विभाग की जमीन पर अवैध खुदाई करते जेसीबी मशीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर बिहार झारखंड सीमा पर चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में बराबर जेसीबी मशीन से माफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन पर कहीं आहार तो कहीं कुआं खोदने काम धड़ल्ले से चल रहा था। इसी दौरान शनिवार 3 बजे करीब गुप्त सूचना के आधार पर चकाई वन क्षेत्र पदाधिकारी राजेश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचकर कुएं की खुदाई में लगे जेसीबी मशीन को जब्त कर चकाई वन विभाग कार्यालय में लाया गया। इसके साथ ही चरका गांव निवासी चालक उपेंद्र दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जेसीबी मशीन मालिक सीताराम महतो एवं उसके बेटे कुलदीप वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। सन्मार्ग के लिए जम्मू के चकाई से विधु रंजन उपाध्याय की रिपोर्ट। जंगल में जो है आपका एक जेसीबी चल रहा है, तो हम लोग जैसे दल बल के साथ वहाँ घटनास्थल पर गए, उस वहाँ जंगल में देखे कि जेसीबी चला ही रहा था। घटनास्थल पर हम लोग उसको जब्त कर लिए ड्राइवर को। रास्ता में लोग काफी व्यवधान कर रहा था, एक बात अच्छा गिरफ्तारी तो फिलहाल एक ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।